इधर चुनावी साल में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार कथा का भी आयोजन करा रहे हैं। हरदा विधानसभा में मशहूर कथावाचक जय किशोरी भागवत कथा सुना रही हैं, जिसका आयोजन प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने करा रहे हैं। देखिए, कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, हरदा जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। आज हरदा जिले को सबसे बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि 100% हरदा को सिंचित कर दिया है। पहला जिला बन गया मध्य प्रदेश का हरदा जिला। ये गौरव प्राप्त किया है हरदा जिले के जिले ने कि अब हरदा जिले के किसानों को शासकीय स्रोतों से, नहरों से, पाइपलाइन से अपने खेत में पानी पहुंचेगा और निःशुल्क पानी मिलेगा, मतलब नॉमिनल उस पर बिजली, और इस प्रकार यहाँ की आय कई गुना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा होगा कि किसान की आय 2 गुना नहीं 4 गुना 6 गुना करेंगे, और इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हरदा जिले के किसानों की ओर से, जिले की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए मैं बना था विधायक मंत्री, मेरा मंत्री बनना, विधायक बनना सार्थक हो गया कि मैंने संकल्प लिया था, पदयात्रा की थी, हरदा जिले को 100% सिंचित कराऊंगा, तो 100% सिंचित कराया। चुनाव का दौर भी लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, आप भी भागवत कथा करा रहे हैं एक बार फिर जया किशोरी जी। हिंदू होने पे गर्व है और हमारी संस्कृति सनातन है और धार्मिक कथाओं से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है, आत्मा प्रसन्न होती है, प्रसन्न होते लोग सुख मिलता है, और इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहे, प्रेरणा मिलती रहे, लोग आनंदित हों, कथा सुनकर, भजन सुन गाकर आनंदित होते, स्वस्थ रहते हैं, और यही जीवन की सार्थकता है। आप क्या मानते हैं, कथाओं से क्या चुनाव जीता जा सकता है? चुनाव के लिए कथा नहीं हो रही, हम पहले हमेशा ही कराते हैं कथा, कई वर्षों से कराते हैं, हर साल से भागवत जी कराते हैं। अभी हमने पहले भागवत जी भी कराई थी 8 महीने पहले, अभी नाने भाई का मायरा करा रहे हैं, और चुनाव के बाद में भी कराते, चुनाव के पहले भी कराते, चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, जो साफ तौर से बता रहे थे कि हरदा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और कमल का फूल ही खिलेगा। इसके साथ ही हमने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INH News भोपाल।